ಶಾಲಿನಿ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣ ಅಂತ मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूं, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। और मैं अकेली नहीं हूं, मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में, और वो भी खुलेआम। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? ये है मेरी कहानी, ये है उन 32,000 लड़कियों की कहानी। आप लोगों ने देखा होगा ये अभी 2-3 दिन पहले जो टीजर रिलीज हुआ है द केरला स्टोरी। आप लोगों को पता है ये किस मुद्दे पे बनी हुई है? क्या आप लोग जानते हो इसकी सारी सच्चाई, इसकी पूरी सच्चाई क्या है? क्या आपको पता है ये चीज मिलावटी है या शुद्ध? क्या आपको पता है ये सच्चाई कितनी परसेंट है और कितनी परसेंट है झूठ? तो चलिए इसी चीज को मैं आज पर्दाफाश करते हुए, इसका एक मुद्दा उठाते हुए मैं आप लोगों के सामने एक अपनी छोटी सी बात और अपने उन हिंदुस्तानी और हिंदुओं को जगाने की एक छोटी सी मुहिम में चाली करता हूँ। तो चलिए आप इस चीज को, मुझे आशा होगा कि आप पूरी देखोगे और एंड तक जरूर देखोगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा ये छोटा सा टीजर है, इस टीजर में शालिनी भूमि कृष्णन जो कभी नर्स बन के लोगों का भला करना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, इसको कुछ चुस्लामिक कंट्री वाले चुस्लामिक लोगों की द्वारा ब्रेन वॉश किया जाता है और इसको तरीके से लव जिहाद में फंसा के किस तरीके से बाहर लिया जा ले जाया जाता है, और ले जाने के बाद इसको बोल दिया जाता है अब तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा, इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, फिर चाहे वो तलवार की जोर पे हो, चाहे गन पॉइंट की जोर पे हो, चाहे किसी भी जोर पे हो। लेकिन इस चीज को अगर हम दुनियादारी के सामने रखें, अपनी बहन बेटियों के सामने रखें, तो पता है क्या जवाब मिलता है? हरे सारे लोग एक जैसे नहीं होते, सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं होते। मैं यही कहना चाहूँगा उन सारी बहन बेटियों से और उन सारे हिंदुओं से जो अभी तक सो रहे हैं, जाग जाओ यार, अभी भी नहीं जागे तो तुम्हारा हाल वही होगा जो कश्मीरी फाइल में हुआ था, कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं के साथ। कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट को, हमारे हिंदुओं को इसी तरीके से दबा दिया जाता है, क्योंकि ये इस्लामिक कट्टरपंथी जो हैं ये बहुत ज़्यादा जिहादी टाइप की जो मानसिकता है। चलिए तो इस चीज़ को मैं यहीं स्टार्ट करते हुए आपको इसकी स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी आज से 4 दिन पहले, द केरला स्टोरी नाम से अभी ये टीज़र रिलीज हुआ था। इस टीज़र पे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, इस पे मेरी भी कुछ ये इस तरीके की प्रतिक्रिया है। जिस तरीके से ये इस्लामिक पंथी जितने भी अपने बहन बेटियों को ब्रेन वॉश कर लेते हैं, लफ्ज़ जिहाद में फंसा लेते हैं और ले जाते हैं बाहर परदेश के, चलिए हम आपके लिए बहुत बड़ा वो करेंगे, है ना, अब जो भी आप समझ सकते हो। ये एक का आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा है कम से कम 32,000 लड़कियों का। आप सोच सकते हो 32,000 रेशियो बहुत बड़ा होता है। 32,000 अगर देखा जाए तो पूरी एक सिटी की लड़कियों को गायब कर दिया जाता है, वो भी सिर्फ हिंदुओं को, हिंदू की लड़कियों को। क्या ये कभी इस्लामिक पंथियों के साथ हुआ? क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि ये जो रेशियो है इस रेशियो से कितना तक? ये तो सिर्फ और सिर्फ केरल की बात है, पूरे इंडिया में कितना होगा भाई? और ये जो हमारे आजकल के लल्लू पंजू, ये जो भारत जोड़ने की जो रैली निकाल रहे हैं, क्या साबित होता है भाई इससे? कभी जब तुम्हारा चुनाव आता है तो तुम हिंदुओं का जनेऊ धारण कर लेते हो, जैसे कि ये महाशय हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने आपको जवाब दिया, उसका जवाब तक नहीं दिया, इन्होंने स्पष्टली रूप से कहा किस तरीके से ये हिंदुओं के, हिंदू धर्म से नफरत करते हैं, किस तरीके से ये लोग हमारे हिंदुत्व को, सनातन को आतंकवाद का से जोड़ने का रातक जोड़ देते हैं। आतंकवाद तुम जिस तरीके से बता रहे हो, जिस तरीके से ये फिल्म में आप लोग देखोगे, अभी ट्रेलर है, जब इस फिल्म को पूरा देखोगे तब आपको पता चलेगा किस तरीके से हमारी हिंदू लड़कियों को बेला फुसला के ले जाते हैं और उनको अफगानिस्तान, यमन और
जाने कहां कहां ले जाके कब्रिस्तानों में बंद कर देते हैं, और ये लड़कियां सिर्फ और सिर्फ एक बम की तरह काम करती हैं। या इन लड़कियों के साथ में हर वो कर्म किया जाता है जो मेरे को बोलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं इस तरीके से बोल भी नहीं सकता क्योंकि इस चीज़ को हमारी काफ़ी सारी बहन बेटियाँ भी देख रही होंगी। मैं बस उनसे यही कहना चाहूँगा, ये जो चीज़ है, ये जो फिल्म है, जितने भी लोग अगर देखेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कामदायक होने वाली है। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, जिस तरीके से ये लोग हमारे बहन बेटियों को फंसा लेते हैं, पता है क्या करते हैं वहाँ ले जाके, सिर्फ और सिर्फ यमन, अफगानिस्तान, यहाँ जाके सिर्फ और सिर्फ वो ISI एजेंट, ISI आतंकियों के पास जाके सिर्फ और सिर्फ ये बच्चा पैदा करते हैं। ये जो ISI हमलेवर हैं, ISI आतंकवादी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी रात की भूख मिटाते हैं, अपनी थकापन मिटाते हैं। यही चीज़ अगर हम प्यार से कहें तो समझ में नहीं आती, और यही चीज़ अगर हम सोशल मीडिया पर रखें हम जैसे युवा, तो हमारे जैसे काफ़ी सारे, हमारी सिटी की ही बोलता हूँ, हमारी सिटी में बहुत सारे लोग हैं, साले तुझे क्या पड़ी है बोलने की, अबे हमें नहीं बोलना है तो बोलेगा कौन, हमारे बच्चे? जब हमारा ही भविष्य इस तरीके से चलेगा तो हमारे बाल बच्चों का भविष्य कैसे चलेगा? समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ? इसके लिए मैं एक नई एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर इसी मुद्दे पे, आप लोग ध्यान से देखिएगा ज़रूर। अभी सिर्फ और सिर्फ वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए छोटा सा ट्रेलर ये आप मेरा देखेंगे, इसकी फुल वीडियो आप देखोगे इसके बाद, हो सकता है 24 घंटे के अंदर भी आपको मिल जाए। चलिए तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय वंदे मातरम।